नमस्कार, आप सबकी खबर टीवी देखना शुरू कर चुके हैं। मैं हूं धीरज साहर। इस वक्त हमारे साथ इनेलो के जिला अध्यक्ष जय भगवान पहलवान मौजूद हैं। आप सभी को पता है कि हरियाणा में आदमपुर उपचुनाव है और पूरे हरियाणा की नज़र आदमपुर उपचुनाव पर है। पूरे हरियाणा का ये जो हॉट सीट सबसे मानी जा रही है और पूरे जो 2024 का जो विधानसभा का जो चुनाव है उसका भी सेमीफाइनल आदमपुर चुनाव उपचुनाव को है माना जा रहा है। तमाम जो पार्टियां हैं तमाम अपने पूरी दमखम के साथ आदमपुर उपचुनाव में उतरी हुई हैं। जय भगवान पहलवान जी की भी ड्यूटी वहां पर आदमपुर उपचुनाव में लगी हुई है। आज ही वापस आए हैं, कल फिर वापस आदमपुर उपचुनाव में अपनी ड्यूटी निभाएंगे। गाँव में है, गाँव गाँव घूम करके अपने कैंडिडेट का जो कुर्डाराम जो नंबरदार हैं उनका प्रचार करेंगे। तो हम उनसे खास बातचीत करेंगे कि क्या जो आदमपुर का जो माहौल है वो कैसा चल रहा है और जो कैंडिडेट है कुर्डाराम नंबरदार इनेलो के प्रत्याशी हैं उनको लेकर के लोगों में कैसी कैसी बातें निकल के सामने आ रही हैं, कैसा जो रुझान लोगों का है उनकी तरफ मिल रहा है। तो पहलवान जी, सबसे पहले तो स्वागत। मैं आपके चैनल को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और मैं झज्जर जिला का प्रधान INLD जय भगवान पहलवान। मैं इस त्यौहार के दीपावली त्यौहार के पूरा जिला वासियों को प्रदेश वासियों को शुभकामना हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बिल्कुल शांति प्रिय अपने त्यौहार को आनंद से मनाएं। पहलवान जी, आप आज ही आदमपुर से वापस आए हैं, कल फिर आदमपुर में आप प्रचार के लिए जाएंगे, तो कैसा लोगों का रुझान आपके जो प्रत्याशी है कुर्डाराम नंबरदार उसके तरफ मिल रहा है? और जो क्योंकि कुलदीप बिश्नोई जो है उन्होंने कांग्रेस छोड़कर के BJP में गए हैं तो उनके खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी है और BJP के खिलाफ और JJP के खिलाफ तो खासतौर पर है ही, तो ऐसे में कैसे आदमपुर उपचुनाव को आप देखते हैं और कितना इनेलो इस आदमपुर में जो जनता है उसको अपनी तरफ जो है आकर्षित करने में और ये विश्वास दिलाने में कामयाब हो पाएगी कि जो आदमपुर का जो अगर बात करें तो विकसित अगर काम करवाने की बात हो तो इनेलो पार्टी जो है मजबूत दावेदारी जो है पेश। कुर्डाराम नंबरदार को हल्का आदमपुर ने अपना कैंडिडेट माना गया, पूरा हल्का ने अपना कैंडिडेट मान चुके हैं और ये JJP और कांग्रेस ये बाहर से कैंडिडेट उतारा है, इससे लोगों की नाराज़गी है। और जो आज स्वामी जी पार्टी में आए हैं उससे भी हमारा इलेक्शन को दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति प्रोग्रेस हुई है। जो स्वामी जी हैं बहुत ही समाज सेवी और लोगों को बहुत ही चाहते हैं और इस दौरान कुर्डाराम नंबरदार भी समाज सेवा और किसानों के गरीब मजदूर सब के तत्पर 24 घंटे इनके लिए उन्होंने अपना देह बलिदान कर रखा है, समाज सेवा के लिए अपना देह बलिदान कर रखा है। 13 महीने किसान आंदोलन में वह एक दिन भी अपने घर नहीं गई लेकिन इस समाज की सेवा के अंदर लगे रही और हर गांव के हर कहीं भी जाते हैं उस हल्का में कहीं भी जाते हैं तो ये कहते हैं अब बहुत ही नेक और ईमानदार आदमी है। और अभय सिंह भाई साहब के तो हर आदमी ये कह रहा है अब भाई अभय सिंह सत्य है, जो कहेगा वो काम करके दिखाएगा। अब इसलिए अब स्वामी जी ने भी अभय सिंह पर भाई साहब पर चौटाला जी पर विश्वास करके एक अच्छी पार्टी समझ के उन्होंने भी अपना पूरा सहयोग और अपना जितने भी वर्कर हैं उसके सेवक हैं भगत हैं सबको उन्होंने यही कहा है कि भाई ये INLD ही एक पार्टी ऐसी है जो हम इसमें शामिल होंगे और कुर्डाराम नंबरदार को विजयी बनाएंगे। पहलवान जी, बड़े बड़े जो INLD पार्टी के जो नेता हैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला प्रचार कर रहे हैं, अभय सिंह चौटाला प्रचार कर रहे हैं, आप भी गांव गांव जाकर घूम रहे हैं, तो लोग किन समस्याओं को लेकर जो है वोट करने जा रहे हैं? क्योंकि बहुत सारी जो पार्टियां हैं सत्ता में भी है उनकी भी एंटी इनकम्बेंसी है, किसान आंदोलन रहा और लोगों को आप कितना समझाने में कामयाब हो पाएंगे? क्योंकि आपने बताया कि 13 महीने से लगातार कुर्डाराम जो है किसानों की लड़ाई लड़ रहे थे, चौधरी अभय सिंह चौटाला ने भी किसानों के समर्थन में जो है इस्तीफा दिया था, तो आप लोगों को कितना ये यकीन दिला पाएंगे कि जो किसानों की जो बदहाली है उनकी जो मुखरता से आवाज़ है जो अगर INLD पार्टी का कैंडिडेट जो है जीतता है तो वो उठा पाएगा?
किसान वहाँ जो भी वहाँ उस एरिया के आदमी सब समझदार आदमी हैं, उन्होंने बिश्नोई के लिए तो ये बोल रहे हैं, अब वो एक बार इलेक्शन में आते हैं फिर पूरी योजना 3-4-5 साल कभी भी नहीं आते। उसको तो भरपूर आदमियों ने पहचान लिया है और ये कह रहे हैं अब ये इसका जो दादा था उसने काम कराए थे, उसका उन्होंने बलिदान उसको उनको 2-3 बार बना दिया। अब की बार सब पूरी पब्लिक ये कह रही है, अब इनके पास टाइम ही नहीं है पब्लिक के पास आने का या उनकी कोई समस्या सुनने का। उन्होंने कभी हल्का में कदम ही नहीं रखे और दूड़ा राम नंबरदार था, कुर्रा राम नंबरदार था, 24 घंटे गाँव में किसानों में मजदूर में गरीब में उनके साथ गलियों में खड़ा है रहा है रात दिन। कोई भी समस्या होती है तो वहाँ के MLA MP को नहीं बोलते, नंबरदार जी को ही बोलते हैं, नंबरदार जी हमारे साथ ये काम हुआ। पानी की समस्या थी, नंबरदार जी ने ही 35-30-35 गाँव की समस्या थी पानी की, नंबरदार ने ही सरकार से लड़ाई लड़के उनको पानी दिलाया था अभी 3-4 महीने पहले। पहलवान जी, स्वामी जी ने आपको जो है समर्थन दे दिया है, तो उनके आने के बाद चुनाव किस प्रकार से जो है INLD पार्टी का बढ़ेगा और कितना सकारात्मक मानते हैं कि स्वामी जी के आने के बाद जो है INLD पार्टी का जो चुनाव है वो एकदम से कितना आप जाएगा, कितना देखते हैं? स्वामी जी का तो हम क्या पूरा हल्का या बार प्रकट कर रहा है, अब भाई एक सच्चे इंसान के साथ आगे खड़े हुए हैं। नंबरदार जी ने अपना देह दान कर रखा था समाज सेवा में, इसीलिए स्वामी जी ने भी उसी को चुना है। और स्वामी जी के आने के बाद तो नंबरदार जी को 4 चांद लग चुके हैं, चौधरी अभय सिंह जी का यही मैच है फाइनल, सेमीफाइनल नहीं है ये फाइनल मैच है, इसमें नंबरदार जी जीतेंगे और INLD अपना पूरा रुतबा के साथ पूरा हरियाणा में 2024 में चौधरी अभय सिंह को CM देखना चाहती है या पब्लिक की भावना है। अगर एक अच्छा दमंग सच्चा इंसान वो है तो चौधरी अभय सिंह चौटाला ही है, और इस उसके साथ साथ अपने नफे सिंह राठी जी प्रदेश अध्यक्ष दिन रात उसके साथ मेहनत कर रहे हैं, दिन रात उसके साथ लगे रहते हैं। अपना कोई भी कार्यकर्ता INLD का कभी भी वो उत्सुकता नहीं है, वो बहुत ज़्यादा मेहनती और कर्मठ है, जो लोगों को जो भावना होती है ना कि भाई ये आदमी बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत ही मेहनती है, जुझारू है, तो ये सारे ही INLD के जो, और इस उम्र में देख लो ना चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी भी कितनी मेहनत कर रहे हैं, एक जवान आदमी नहीं कर सकता इतनी मेहनत जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी कर रहे हैं। आज एक युवा से इतनी हल्का में ब्लॉका में मीटिंग में उन्होंने एक एक दिन में 10-10 मीटिंग की है और लोगों को बहुत ही उत्साह, और लोग इतने वो जाते हैं ओम प्रकाश चौटाला जी जहाँ जाते हैं, अब यार इतनी उम्र में इतनी मेहनत कर रहा उसको देख के तो और भी हमारे देशों में भी जोश आता है, अब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला यार इतनी एज में और इतनी मेहनत कर रहे हैं, सुबह 8 बजे घर से निकलते हैं तो रात को 10 बजे घर बढ़ते हैं, इससे और क्या प्रूफ होगा। नंबरदार जी के लिए भी दिन रात एक कर रखा है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने, और हर आदमी ये कह रहा है कि भाई नंबरदार ही जीतेगा। पहलवान जी, जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं, क्योंकि एक तरफ सरकारी तंत्र है, बड़े बड़े मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, और भी बहुत, क्योंकि पूरे हरियाणा की जो नज़र है, क्योंकि ये भूमिका 2024 की तय करेगा, तो ऐसे में जो है बड़े बड़े सरकारी तंत्र और मंत्रियों से कैसे टक्कर INLD पार्टी लेकर आएगी, क्योंकि एलनाबाद के चुनाव में भी हमने देखा था अभय सिंह चौटाला को हराने के लिए तमाम जो तंत्र है वो इकट्ठा हो गया था, लेकिन एलनाबाद सीट आप निकालने में कामयाब हो गए, तो इस सीट को लेकर कितने आश्वस्त जय भगवान पहलवान? बहुत ही खुश हैं हम, और हमारी ही जीत होगी, और सरकार तो भाई हाजिर सरकार तक कोई भी षड्यंत्र रच सकती है, हाजिर सरकार, और ये एक ऐसी सरकार है बहुत ही चीटर सरकार है ये। पहलवान जी, दोबारा से आदमपुर उपचुनाव पर आ जाते हैं, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी तो सरकार के खिलाफ है ही, बेरोजगारी में हरियाणा टॉप पर बना हुआ है, महंगाई दर में किसान जो है नाराज़ हैं क्योंकि उनकी फसल बाजरे की खरीद नहीं हो रही है,
तो ऐसे में इनेलो पार्टी और आप भी खासतौर पर जब लोगों के बीच में जा रहे हैं तो क्या किन मुद्दों के बीच में आप वोट मांग रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर? ये जो आदमपुर का इलेक्शन है ना, यो इसलिए चक्कर आ गया इस अमित का लड़के का, क्योंकि भवे पर भी केस है और हमारा सुप्रीमो ने उसको आरटीआई लगाई थी और उसको ऊपर वो भी सरकार ने तहस नहस करके और उसको इलेक्शन के लिए परमिशन दे दी, चुनाव आयोग ने भी दे दी और इस अमित के लिए उन्होंने ये कैंसिल कर दिया। और वहाँ तक मुद्दे नंबरदार के ने जो वहाँ वादे किए हैं, जो हमारी पार्टी ने जो वादे किए हैं वह सभी पूरे होंगे, लोगों को पूरा विश्वास है, आत्मविश्वास है। अब जो ये कहेंगे वो काम हमारे सभी होंगे। जिस गांव में जो भी समस्या है, नंबरदार जी और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी आत्मविश्वास के साथ उस काम को पूरा कराएंगे और वहां की पब्लिक को भी अब पूरा विश्वास है, इसीलिए हमारी जीत सुनिश्चित है। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जय भगवान पहलवान थे, जिला अध्यक्ष हैं इनेलो के। हमारी भी 2-3 दिन से पहलवान जी से बात हो रही थी कि पहलवान जी कब आओगे, आप आदमपुर की थोड़ी ही रिपोर्ट सी दे दीजिए हमें, हम भी यहाँ पर पंचायत चुनाव की लगातार कवरेज कर रहे हैं। तो आदमपुर उपचुनाव को लेकर जय भगवान पहलवान की माने तो पूरी INLD पार्टी ही आश्वस्त है कि कुरडाराम नंबरदार जो हैं एक अच्छी मार्जिन से जो है आदमपुर की जो सीट है वो जीत करके आएंगे, क्योंकि इनका कहना है कि जो कुरडाराम नंबरदार हैं 13 महीने किसान आंदोलन चला उसमें लगातार किसानों के बीच में रहे, हल्के के नुमाइंदे हैं और लगातार लोगों के बीच में रहते हैं, कोई नया कोई कुरडाराम चेहरा नहीं है, और जो वायदे INLD पार्टी कर रही है उनको हमेशा से आगे भी 2024 का जो सेमीफाइनल माना जा रहा है, तो इनका कहना है कि आगे भी 2024 में INLD पार्टी की सरकार बनेगी और जो तमाम जो वादे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और अभय सिंह चौटाला ने किए हैं वो सभी वादे जो है INLD पार्टी पूरे हरियाणा में करके दिखाएगी। फिलहाल के लिए शुक्रिया।